प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को बिना वजह से नौकरी से निकाला जा रहा है। ताजे मामले में हमीरपुर जिला के भोरन से संबंध रखने वाले सुशील कुमार को पुलिस कंट्रोल रूम में सेवाएं देने से मना किया गया है। सुशील कुमार के अनुसार बिना वजह से सेवाएं बंद करने के लिए कहा गया है और इस कारण वे बेरोजगार हो गए हैं। प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को बिना वजह से नौकरी से भी निकाला जा रहा है। ताजा मामला हमीरपुर जिला के भोरन से संबंध रखने वाले सुशील कुमार को पुलिस कंट्रोल रूम में सेवाएं देने से मना कर दिया गया। सुशील कुमार के अनुसार बिना वजह से सेवाएं बंद करने के लिए कहा गया है और इस कारण वे बेरोजगार हो गए हैं। प्रदेश भर के ERSS इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के तहत इन कर्मचारियों की सेवाएं पिछले एक साल से ली जा रही थी। आपको बता दें कि पिछले एक साल से पूरे प्रदेश में 48 लोग आउटसोर्स पुलिस विभाग में काम कर रहे थे और फिलहाल शिमला जिला में आउटसोर्स कर्मचारियों के सेंटर चलाए हुए हैं, जबकि बाकी जिला के कंट्रोल रूम में आउटसोर्स पर रखे सभी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, जिस कारण आउटसोर्स कर्मचारियों में सरकार के प्रति रोष पनप रहा है। गौरतलब है कि नवम्बर 2018 में ERSS इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के तहत सेंटर बनाए गए थे, जिनमें तीन तीन लोगों को काम दिया गया था और पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कॉल सेंटर पर 112 नंबर भी उपलब्ध किया गया था। आउटसोर्स कर्मचारी सुशील का कहना है कि बिना वजह से नौकरी से निकाला गया है और अभी कुछ ही दिन पहले कंपनी के साथ अनुबंध रिन्यू हुआ था। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि हमारी सेवाएं बहाल की जाए और आउटसोर्स के लिए कोई ठोस पॉलिसी बनाई जाए। मेरा नाम सुशील कुमार हूँ। मैं पुलिस कंट्रोल रूम में आउटसोर्स डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, वायरलेस डिपार्टमेंट में एज ए आउटसोर्स। तो सर हमारी ज्वाइनिंग हुई थी 10 सितंबर को। उसके बाद हिमाचल में पहला डिस्ट्रिक्ट था, स्टेट था, जिसमें 112 लॉन्च हुआ था और हम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में आए थे। तो सर ऐसा हुआ कि 10 सितंबर को हम यहाँ आए, 17 सितंबर को हमीरपुर में, उसके बाद 20 सितंबर को हमने चार्ज हैंड ओवर करा, अपने पास लिया। और सर अभी हमें साल भी नहीं हुआ था, 11वां मंथ चला ही हमें। तो पहले तो हमारा 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, तो इसके बाद नाइलेट वालों ने बोला कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हमें रिन्यू कर दिया है, क्या क्या बढ़ा दिया गया है। तो अभी तो सर 10 महीने हुए, तो उसके बाद हमें 10 महीने के अंदर ही निकाल दिया गया। ये हमें DGP का लेटर आ गया कि आपको निकाल दिया गया, आपकी सेवाएँ बंद कर दी गई है, तो इसलिए आप अपनी जो हैंड ओवर है चार्ज वो कंट्रोल रूम में इंचार्ज को सबमिट करा दो। टोटल आउटसोर्स पे ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट में लगे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में 3 बंदे, 39 है सर टोटल। और ऐसे शिमला में अलग से बंदे, उसकी हमारी कोई जानकारी नहीं है कितने हैं, क्योंकि हमारे से बात भी रखे गए और ज़्यादा लोग। तो ऐसे तो हम डिस्ट्रिक्ट में 39 हैं, तो 39 लोगों को निकाल दिया गया। नहीं सर, अचानक हमें 31 तारीख की शाम को मैसेज आता है 5 बजे के करीब कि आपकी सेवाएं ख़त्म कर दी। इतना तो सर जब कोई हलवाई की शॉप में काम करता है उसको भी तो बता दिया जाता है 15 दिन पहले कि आपको निकाल देना है। हमें तो अचानक ही लगा पता, मैं सुबह जॉब पे आ रहा था तो मेरे को बोला गया कि आप निकाल दिए गए हो। मांग सर यही है कि हमें पॉलिसी बनाई जाए कोई अच्छी, अगर हम दोबारा रखेंगे तो पॉलिसी अच्छी सी हो कि हमें हमारा ये शोषण नहीं हो दोबारा बार बार। और सर बोलते हैं कि हमारा, हमें ये तरीके से निकाल गया कि हमारा बजट ख़त्म हो गया, कि हमारा फंड नहीं प्रोवाइड हुआ। तो सर ये तो सेंटर की स्कीम है, तो इसमें तो बजट का मतलब ही नहीं होता सर ख़त्म होने का। पूरे अक्रॉस इंडिया में 300 करोड़ के समथिंग बजट है सर। तो हिमाचल में अभी हमें कहीं से जानकारी मिली थी कि 13 करोड़ समथिंग है। तो सर इतनी जल्दी बजट कैसे ख़त्म हो सकता है, ये तो सर बिली वक्त है इनकी। तो सर हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारा शोषण ना हो और हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए